और इंसान के रूप में यदि धरती पे इंसान आया है तो भाई साहब आप में से कोई आदमी, यहाँ 4000 आदमी बैठे हैं, एक आदमी खड़ा होकर बता दो कि भाई साहब पिछले 40 साल मैंने बिताई, आज तक मेरे सामने परेशानी नहीं आई। हर आदमी की जिंदगी में मैं हर बार बोलता हूं, कार्ल मार्क्स ने एक बात बोली थी कि गरीब आदमी के पास गरीबी को खोने के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। गरीब आदमी सिर्फ गरीबी खो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं खो सकता, बसलते आग होनी चाहिए। आग है डायमंड बनने की दोस्त, ये आग ही है जो आपको आगे लेके जाएगी, आग ही है। सिर्फ 3 बातें हैं जो मैंने समझी थी। सबसे पहली चीज विजन, ये बहुत जरूरी है। हर बार विजन पर जब बात आती है, मैं चतुर्वेदी साहब और जैन साहब का नाम लेता हूं, जब इन्होंने कदम रखा था सर 2001 में, मैं 9वीं क्लास में था, ध्यान से समझना मैसेज, 2001 में जब मैं 9वीं क्लास में था और जब जैन साहब चतुर्वेदी साहब ने जब बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो एक स्टूडेंट होने के नाते तो मैं भी आईपीएस की तैयारी कर रहा हूंगा ना, लेकिन जैसे जैसे आदमी कंपटीशन में जाता है वैसे वैसे उसको उसकी औकात पता चलती है। और जब 18 साल का मैं हुआ था तो उस टाइम तक हमारे पास भी आ चुकी थी। तो दोस्त विजन देखिए, मैं तो इतना बड़ा विजन लेके बैठा हूं, जो बच्चे आज की डेट में प्ले ग्रुप में जिन्होंने एडमिशन लिया है, 18 साल रुकने की बात है, नौकरी नहीं मिलेगी तो सीधी झेलेगी, और झेलेगा कौन? चिंता की क्या बात है, चिंता की कोई बात नहीं है। एक लाइव एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, 2005 के अंदर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, एक शख्स जिसके पिताजी को मैंने प्लान बताया था और उस आदमी की उम्र थी 13 साल, 13 साल का वो बच्चा जिसने प्लान समझा था, आज 2013 के अंदर उस स्टूडेंट को दोबारा से मैंने प्लान बताया और उसने मुझे याद दिलाया कि सर मैं फलाना सिंह उसका लड़का हूं मैं, और आपने मेरे पिताजी को प्लान बताया था और मेरे पिताजी जो है नहीं हुए थे, लेकिन सर यदि यह बात सच है कि आदमी ड्राइवर बनता है, मेरा पिताजी नहीं बना, मैं बन के दिखाऊंगा, ये डिसीजन लिया गया। थैंक यू। रीजन बताता हूं, एक वो स्टूडेंट यदि 3 से 4 साल में, आज वो गोल्ड पल की पोजीशन पहुंचने वाला है, यदि वो डायमंड बनता है तो दोस्त उसके पिताजी ने डिसीजन नहीं लिया, 5 साल बाद 6 साल बाद उसके लड़के ने डिसीजन लिया। अरे वो लड़का कमा के देगा? यहां तो कोई भी आदमी लेके क्या जाता है, कुछ ना कुछ देके जाता है। यस सर नो, यस सर नो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डाउट ना करें। ग्रेवाल साहब एक बात बोलते हैं, बड़ा आदमी बनना भी तो पंगा लेने की वाली बात है ना, यस सर नो, बड़ा आदमी ऐसे बन जाएगा क्या? ना जी, आए आलती पालती मार के उसके सामने बिठाए, फिर एक पत्ता है बढ़िया, रोज लड्डू पर पियाए और 4 साल ऐसे ही खाए जाओ, डायमंड बन जाओगे, ऐसे होगा क्या? ना, ऐसा नहीं है। जिस भी नौकरी की तैयारी करता है आदमी, जिस भी चीज की अब एक आदमी तैयारी कर रहा है, अगले 20 साल 30 साल उसका इतिहास निकालो, क्या करना पड़ेगा, नोट कर लो। मैं पढ़ा लिखा था, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी जो मेरे ग्रेट आदर्श हैं, इन्होंने 2 पन्नों के ऊपर खींच दिया था, क्योंकि मैं भी टीचर बनना चाहता था, मैं भी सर को कह रहा था सर बीएड करूंगा मैं, सर ने 1 पन्ना लिया, पूरी लाइन खींच दी, एक इधर और एक इधर, योगेश जी मास्टर बन जाओगे ना, कितना कमा लोगे? मैंने कहा सर 10,000 के हिसाब से पूरे 30-35 साल में 35-36 लाख रुपए। कितने साल में? मैंने कहा 36 साल में 30 साल में। बोला 30 साल करना पड़ेगा या अपने आप आएगा? मैंने कहा करना पड़ेगा। तो बोला ये तो है था आपका 30 साल टीचर का लाइन और ये एसएफ का, 4 साल यहाँ भी करना ही पड़ेगा, लेकिन दोस्त 4 साल के अंदर यहाँ से 50 लाख अंदर होता है, वह 40 साल के अंदर 36 लाख अंदर होता है, डिसीजन किसको लेना चाहिए, 4 साल के लिए या 40 साल के लिए? मैं भी बैकआउ में आ गया था भाई आपकी तरह, और वो बहकावे में नहीं आया, वो दिन है और आज का दिन है, वो दिन है और आज का दिन है। श्री संजय जैन जी 2006 के अंदर आए थे महावर ऑडिटोरियम में, और वहां पे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और हमने सर को एक ही बात बोली थी कि क्या सर हम भी डायमंड बनेंगे, सर ने हाथ रख के एक ही बात बोला था, एक ही बात, सिर्फ एक ही बात जो जैन साहब को भी याद नहीं होगा, एक ही बात बोला था, बेटा बिजनेस को छोड़ियो मत, बाकी कुछ भी करियो बस बिजनेस को मत छोड़ियो, डायमंड बनी जाए, बिजनेस को मत छोड़ियो, बन जाए। और वो काम मैंने किया पिछले 8 साल से पकड़ के बैठा हूं। और चतुर्वेदी साहब को जब मैं देखता हूं तो एक ही इनके इरादे, जब हम साथ होते हैं ये बोलते हैं कि अगले 50-60 साल तो अभी और करना है,
दोस्तों विजन देखिए, आज वो दिन है मेरी चीजें, हम लोग आपके पास बराबर आपके शहरों में आते रहते हैं, आज का दिन है कुछ ऐसी शख्सियत को सुनने का, आज का दिन है कुछ ऐसे महान पर्सनैलिटियों से मिलने का जो कि बहुत दुर्लभ हो पाता है हमारे बीच में। वो हमारे जो आदर्श है, वन बाय वन करके पूरी लाइन है डायमंडों की, उनको एक एक को हम लोग मैसेज लेंगे और एक एक मैसेज को अपने आत्मा पे उतारना है दोस्त। जिस भी आदमी ने एक एक पॉइंट को समझा है ना, वो आदमी आज यहाँ पे है। तो आप सारे लोग जाएंगे यस। दोस्तों मैं विराम दूंगा अपनी बातों को और आप लोगों से सिर्फ लास्ट जो गुजारिश है मेरी वो यही है कि डाउट नहीं करें। छोटी छोटी बातें, एक पिता पुत्र के बीच में भी आपस में गड़बड़ होती है, मम्मी और बेटे के बीच में भी आपस में छोटी छोटी खटपट होती है, तो या अपलाइन और डाउनलाइन जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं उनमें भी हो सकता है मिसकम्युनिकेशन आ जाए कभी कभी। लेकिन एक मैसेज जो चंद साहब ने मुझे आज से 8 साल पहले दिया था, वही मैसेज मैं दोबारा से फॉरवर्ड आपके पास करना चाहूंगा। कुछ भी हो जाए बिजनेस को मत छोड़ना।